हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्र के नाच की इस कक्षा में। कल की क्लास में आप सबों को अच्छी तरह से याद होगा कि हम सब अपने डायरेक्शन टेस्ट पे हैं, दिशा संबंधी प्रश्नों पर हैं और उसकी विस्तृत चर्चाएं आप सबों के बीच में किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब हमारी कल की क्लास जब हमने लास्ट किया था तो आपने टाइप वन की हमने शुरुआत की थी। टाइप वन में हमने दिशा ज्ञात करना सीख रहे हैं। आज उसी दिशा ज्ञात करने पर टाइप वन के साथ में टाइप टू पे चलेंगे। दिशा ही है, टाइप टू इसको मत बोलिए, टाइप वन का ही एक सब टाइप बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर हम सब सीखेंगे कि किस प्रकार से जंपिंग डायरेक्शन होता है, अर्थात डायरेक्शन जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, जो ओरिजिनल दिशा है, वो अपने जगह पर ना रह करके अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है। आज उसकी चर्चाएँ करेंगे आपके साथ में और आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर बनाएंगे, लेकिन आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन होकर के चैप्टर को सीखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो सीधे सीधे तो वही टाइप वन ही रहेगा चैप्टर मेरा, वही डायरेक्शन टेस्ट एज यूजुअल डायरेक्शन टेस्ट हो जाएगा और टाइप नंबर वन हो जाएगा। डायरेक्शन टेस्ट की टाइप वन की बातें करेंगे और जब हम डायरेक्शन टेस्ट के टाइप वन की बात करते हैं तो फिर मेरा सब कुछ यहाँ पर निकल करके आता है। सब कुछ निकल करके आने का तात्पर्य क्या हो गया कि हमारे सबसे पहले यहाँ पर जो है सेम टाइप है, दिशा ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, लेकिन दिशा जो ज्ञात करना होगा वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। टाइप वन का एक टोटल सब टाइप बना लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं सब टाइप, है ना, सब टाइप नंबर वन, और जिसका नाम होगा जंपिंग डायरेक्शन, है ना, जंपिंग डायरेक्शन। तो ये पूरी कहानी है छात्रगण, सब टाइप आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए है, क्योंकि पढ़ाने क्रम में हमको दिमाग में होता है कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक हमको डील करना है, मुझे डील करना है, उसी के आधार पर इन चीज़ों को सजाने का हम प्रयास करते हैं। पूरी डायरेक्शन टेस्ट कैसे चलती है ये आपको पहले कल की क्लास में बताया गया था कि डायरेक्शन टेस्ट में चार फंडामेंटल डायरेक्शन हैं और चार सबऑर्डिनेट डायरेक्शन हैं, कुल डायरेक्शन की संख्या हो गई आठ। आठ डायरेक्शंस मिलकर के किस प्रकार के रूपरेखाओं का निर्माण करते हैं छात्रगण, इन्हीं चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरी कहानी क्या चीज़ है, ये एक आपका फंडामेंटल जंपिंग डायरेक्शन आपको एक कहानी क्या कहता है, सो आप ध्यान लगाइए। ये आपका फंडामेंटल डायरेक्शन है, ये है आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये वाला आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। ये कुल आठ डायरेक्शन है जिसको प्रीवियस क्लास में भी डील किया जा चुका है आप सबों के बीच में। ये आठ डायरेक्शन अपने ओरिजिनल स्थान पर अभी सेट हैं। देख लीजिए, नॉर्थ जहाँ है वहीं है, नॉर्थ ईस्ट जहाँ होता है वहीं है, ईस्ट जहाँ है वहीं है, साउथ ईस्ट जहाँ होता है वहीं है, साउथ जहाँ है वहीं है, साउथ वेस्ट जहाँ पर है वहीं पर है, वेस्ट जहाँ है वहीं पर है, नॉर्थ वेस्ट जहाँ पर होता है वहीं पर है। आठों डायरेक्शन अपने जगह पर क्या है, फिक्स्ड है, एक जगह पर सिचुएटेड है। आपको क्या काम करना है छात्रगण, अब जब देखिए प्रश्न क्या कहता है, जंपिंग जो डायरेक्शन है वो अपने जगह पर ना रह करके ये डायरेक्शन चेंज करता है, बदलता है, मतलब जंप कर जाएगा, अर्थात ओरिजिनल डायरेक्शन अपने जगह पर नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। बस वही बदलने का क्रम आपको किस अकॉर्डिंगली कैसे ये बदलते हैं, उसी बदलने के क्रम का अध्ययन आपको इस चैप्टर के तहत में करना है। आइए देखते हैं कि वो सब कैसे होता है, क्या है इसका कंसेप्ट, उस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कहता क्या है, ये एक सीधे एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। कहता है कि यदि दक्षिण पूर्व बोले तो आपका साउथ ईस्ट हो गया, यदि दक्षिण पूर्व हम लिख देते हैं इंग्लिश में, यदि साउथ ईस्ट, यदि दक्षिण पूर्व पूरब बन जाए, पूरब बोले तो ईस्ट, पूरब बन जाए और आगे का परिवर्तन इसी प्रकार जारी रहे तो पश्चिम क्या कहलाएगा, तो पश्चिम क्या कहलाएगा।
ठीक है, देखिए कहानी समझिए क्या हो रहा है। यदि दक्षिण पूर्व पूरब बन जाए, दक्षिण पूर्व जो साउथ ईस्ट का ये डायरेक्शन है, अब ये साउथ ईस्ट नहीं रहेगा, अब ये पूरब बन जाता है, ईस्ट बन जाता है। तो जो साउथ ईस्ट है वो अब आपका पूरब बन गया है छात्रगण। तो आपको विशेष रूप से ख्याल क्या रखना है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। कहता है कि यदि दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट पूरब बन जाए और आगे का परिवर्तन भी इसी प्रकार जाएगा, या आगे आगे परिवर्तन इसी प्रकार, मतलब सभी डायरेक्शन क्या हो बदलता चला जाए। देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड आप समझ लीजिए। मैंने इस चैप्टर का नाम जंपिंग डायरेक्शन क्यों रखा है, क्वेश्चन के ट्रेंड को समझने के लिए। जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो अपने जगह पर नहीं रहता है, ओरिजिनल डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो प्रश्न में जैसे बोलता है उसी प्रकार से ओरिजिनल डायरेक्शन को चेंज कीजिएगा। नाउ नाउ यानी अब क्या हो गया, देख लीजिए। अब डायरेक्शन का वही चीज खींच लीजिए पूरी तरह से, जो मेरा ये था हमने खींच लिया, डायरेक्शन चारों तरफ से मेरा अटैच्ड हो गया। कहता है कि दक्षिण पूर्व पूरब बन जाए, दक्षिण पूर्व मेरा कौन है, ये वाला। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है पूरब, अब ये बन गया है पूरब यानी कि ईस्ट बन गया है। बस यहीं पर आपको गौर फरमाना है। देखिए ईस्ट मेरा यहां पर था, ईस्ट मेरा कहां है, यहां पर है। अब ये ईस्ट उठ करके यहां पर आ गया है, ये ईस्ट यहां था, ये ईस्ट उठ करके अब यहां पर आ गया। ये कितना घर चला, यहां से यहां मूव करेंगे तो ये 45 डिग्री, लेकिन आप डिग्री के आधार पर मत पढ़िए, डिग्री हम अलग से पढ़ा देंगे आपको, डिग्री के अकॉर्डिंगली आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है घर के अनुसार। यदि कोई भी डायरेक्शन यहां से यहां जाएगा तो एक घर मूव होगा, यहां से यहां आएगा दो घर, यहां से यहां आएगा तीन घर, यहां से यहां चार घर, यहां से यहां पांच, यहां से यहां छह, यहां से यहां सात, यहां से आठ। हम लिख देते हैं, इस घर से इस घर आएगा, एक घर चला गया, यहां से यहां आएगा दो घर, यहां से यहां जाएगा तीन घर, यहां से यहां जाएगा चार घर, यहां से यहां जाएगा पांच घर, यहां से यहां जाएगा छह घर, यहां से यहां जाएगा सात घर, और यहां से यहां आएगा आठ घर। तो ऑल टूगेदर जितना सारा डायरेक्शन है वो अपना घर के आधार पर मूव करेगा। आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो कितना दिशा, कितना घर वो मूव किया है, और आपको कुछ नहीं देखना है, केवल वो कितना घर मूव किया है, बस इसी चीज को आपको रीड करना है कि वो कितना घर मूव करता है, उसी चीज को हम लोग यहां जानने का और देखने का प्रयास करेंगे। आप देख लीजिए, प्रश्न पर जाइए सीधे सीधे। दक्षिण पूर्व पूरब बन गया, दक्षिण पूर्व यहां है, ये क्या बन गया है पूरब, यानी पूरब उठ के कहां चलाया है, यहां चलाया, यानी पूरब कितना घर यहां पर जम किया है। देख ले, यहां से यहां जाने में उसको कितना घर क्रॉस करना पड़ेगा, एक घर। तो ये उठ करके यहां चला आएगा, देख लीजिए पूरब यहां चला गया। अब कुछ नहीं, आपको सिर्फ इन चार डायरेक्शन को छेड़ना है बस, और अब कुछ छेड़िए। आपको एकदम सीधे सीधे हम सिखा दे रहे हैं प्रश्न बनाने के लिए, आठों डायरेक्शन को आपको नहीं छेड़ना है। आप ये जान चुके हैं कि एक घर, सारा घर, देखिए क्वेश्चन कहता है और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, और आगे भी परिवर्तन का इसी प्रकार जारी रहे। देखिए परिवर्तन इसी प्रकार जारी रहे, बोलता परिवर्तन ऐसे ही चलेगा, अर्थात ये घर यहां आया, ये यहां जाएगा, ये माने हर एक डायरेक्शन एक एक घर मूव कर जाएगा। इस प्रश्न में आपको, आपने देखा कि एक घर मूव कर रहा है, ये भी स्थितियां और परिस्थितियां पैदा होंगी जब ये कई घर मूव करेंगे, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर। वैसी स्थिति में छात्रगण आपको ये सलाह दिया जाता है, आप क्या करिए, आपको करना क्या चीज है ये ध्यान लगाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि जितना घर ये मूव करता है और किधर से वो जल्दी मूव करेगा, इस चीज को आपको पकड़ना है। यहां से यहां जल्दी मूव करेगा कि इधर से मुड़ करके चलेंगे सो जल्दी मूव करेगा, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि बंदा मेरा क्लॉकवाइज चलता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिधर से जल्दी होगा, देखिए अगर हम ईस्ट से चल करके यहां पर आते हैं तो हमको यहां से उल्टा चल रहे हैं, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, छह घर, सात घर चलेंगे तब साउथ ईस्ट में पहुंचेगा ईस्ट, जो प्रश्न कह रहा है वो काम आप नहीं करेंगे। आप जिधर से नजदीक पड़ेगा, अभी देखिए ईस्ट उठ करके यहां चलाता है तो नजदीक आपको ये वाला ना पड़ा, तो जिधर से नजदीक, अगर एंटी क्लॉक में नजदीक पड़ेगा तो एंटी क्लॉक घर से चलिएगा, और क्लॉक में चलिएगा तो क्लॉक से। ये ऐसा इसलिए कि सिर्फ आपका समय बचाया जा सके एग्जाम्स पे।
क्योंकि अगर आप इसको इधर से उल्टा से काउंट करिए, सर ऐसे भी तो ये पहुंच सकता है, ऑब्वियसली ऐसे भी पहुंच सकता है, लेकिन इन द मीन वाइल आपको इसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप उल्टा काउंट ना करेंगे, हमेशा इसको सीधा काउंट करेंगे। बात समझ में आ गया अच्छी तरह से? सीधा नहीं, मतलब जिधर से आपको नज़दीक पड़ेगा, वो गलती से सीधा बोल दिए, जिधर से आपको नज़दीक पड़े, चाहे वो क्लॉक नज़दीक पड़े या एंटी क्लॉक नज़दीक पड़े, जहाँ से आपको नज़दीक पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको मूव कर जाना है। पॉइंट क्लियर हो गया? देख लीजिए कहानी क्या कहता है। कहानी कह रहा है छात्रगण कि मेरा पूरब जो है दक्षिण पूर्व बन जाता है। देखिए यदि दक्षिण पूर्व पूरब बन जाए, दक्षिण पूर्व अब मेरा क्या बन गया, ये पूरब बन चुका है, यानी पूरब उठ करके अभी यहां पर आ गया। तो देखिए जब पूरब यहां पर आता है तो पूरब कितना घर चला, एक घर चला है और वो भी क्लॉकवाइज चला है। इधर से भी चल सकता है लेकिन हम नजदीक लेने के लिए आपको सिखा दिए हैं, तो ये बन गया पूरब। अब देखिए आपको बेटर वे में सलाह किया जाता है कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन उसी को छेड़ेंगे। जब पूरब उठ करके यहाँ चला आया तो ऑब्वियसली आप बताइए पश्चिम उठ करके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और पूरब के ऐसे भी उल्टा में पश्चिम होगा तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम, जिसको आप लोग वेस्ट बोलते हैं। दक्षिण उठ करके यहाँ पर चला जाएगा, अब ये बन गया दक्षिण यानी कि साउथ, और ये हो गया क्या नॉर्थ। हो गया कहानी खत्म। सब डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन आपने देख लिया, आपने देखा क्या, अब मेरा पूरब यहाँ था, पूरब यहाँ आ गया, दक्षिण मेरा यहाँ था, दक्षिण यहाँ चला गया, यहाँ पश्चिम था, पश्चिम यहाँ चला गया, यहाँ नॉर्थ था, नॉर्थ यहाँ पर आ गया, सभी डायरेक्शन अपना जगह चेंज कर लिया। अब देखिए इन दोनों का बीच का, ये जगह मेरा अभी भी खाली है, तो इन दोनों का बीच का स्थान ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो अब ये क्या बन गया, नॉर्थ वेस्ट बन गया। इन दोनों का बीच का स्थान ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट बन गया। ये ईस्ट और ये साउथ है, तो ये क्या बन गया, साउथ ईस्ट बन गया। ये मेरा वेस्ट है और ये साउथ है, तो ये मेरा क्या बन गया, साउथ वेस्ट बन गया। बस समझ में आ गया अच्छी तरह से? इस प्रकार टोटल आठों डायरेक्शन मेरा यहां पर सेट हो चुका है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है पूछने दीजिए, बोलता है कि पश्चिम क्या कहलाएगा। आप देखिए जो लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा पश्चिम क्या कहलाएगा, तो यहां से पश्चिम नहीं देखिएगा, पश्चिम आपका कहां है, देखिए ये है पश्चिम, ये पश्चिम अब आपका क्या बन गया है, तो ये पश्चिम आपका साउथ वेस्ट बन चुका है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो आपका पश्चिम अब क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम बन गया। हो गया आंसर। तो पश्चिम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दक्षिण, दक्षिण और क्या कहलाएगा, पश्चिम, और इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो कितने आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है छात्रगण, ये आपको बखूबी समझना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, और ऐसे प्रश्नों का बहुत अच्छे अंदाज में आपको जवाब देना चाहिए। तो कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत होने पर इशू चर्चा कीजिए क्लास के अंदर में, कि हाँ सर हमको यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है। एकदम सिंपल सी लाइन आपको मैंने बता दिया कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो अपना जगह बदलता है, ईस्ट अब यहाँ ईस्ट ना रह करके ईस्ट अब यहाँ चला आता है, तो जैसे जो चलता है और सभी डायरेक्शन उसी प्रकार से चेंज करेंगे, आपको भी उसी के आधार पर सारा डायरेक्शन चेंज कर देना है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका आंसर निकाल देना है। एक बार समझ में नहीं आया, दो बार पढ़िए, दो बार नहीं समझ में आता, तीन बार वीडियो को देखिए, देखते देखते अपने आप आपको अकस्टम हो जाएंगे, और इस चैप्टर पर भी आप क्या हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे छात्रगण। आइए आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिखाते हैं कि यही सेम क्वेश्चन जो है मेरा कैसे बन पाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पर आपको लेकर के आए हैं छात्रगण, और एक पूरी फुल फ्लेवर आपका प्रश्न लिखा हुआ है। कहता है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, बस एक लाइन पढ़ा कीजिए, बस केवल पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे दक्षिण पूर्व कहाँ है मेरा, तो दक्षिण पूर्व आप देख रहे हैं ये है। अब ये क्या बन जा रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, अब ये उत्तर बन जाता है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, देखिए उत्तर आपका यहाँ है, अब यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए उत्तर कितना घर चलता है, नॉर्थ कितना घर चलता है, यहाँ से यहाँ चला कितना घर, एक घर, यहाँ से यहाँ कितना चला, दो घर, यहाँ से यहाँ कितना घर चला, तीन घर, यानी नॉर्थ उठ करके साउथ ईस्ट पे आ जाता है, तो ये कितना घर जंप करता है, ये तीन घर जंप करता है, यानी टोटल डायरेक्शन देखिए क्वेश्चन लिखता है, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, और इसी प्रकार का परिवर्तन चलता है। तो जब इस प्रकार का परिवर्तन चलता है छात्रगण, तो एक एक डायरेक्शन अपना तीन तीन घर जंप करेगा, यही ना निष्कर्ष पहुंचेंगे भाई, कि एक एक डायरेक्शन कितना कितना घर जंप करेगा, तीन तीन घर जंप करेगा। अब अपना चुपचाप से अपना प्लस चिन्ह बना लीजिए, इस प्रकार से अपने इस प्रकार से आरेख खींच लीजिए। आरेख खींचने पर आपको कहता है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया है, ये दक्षिण पूर्व अब क्या बन गया, उत्तर, एवं चुपचाप से यहाँ पर उत्तर को सेट कर लीजिए, ये उत्तर बन गया, ये उत्तर है तो ये क्या बन गया, दक्षिण,
तीन घर चल करके वो दक्षिण बन जाएगा। आपको मैंने पहले ही बोला केवल चार घर को आपको छेड़ना है। छेड़ने वाला घर कौन कौन होगा? एक घर, दो घर, तीन घर और चार घर। चलिए पूरब बताइए, पूरब कहाँ चल जाएगा? पूरब कितना घर चल जाएगा? यहाँ से यहाँ एक घर, यहाँ से यहाँ दो घर, यहाँ पूरब, यानी ये बन गया पूरब। ये वाला एरिया क्या बन गया? पूरब। और जब ये एरिया पूरब बन गया तो ये एरिया क्या बन गया? पश्चिम। जरा सा भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आपका आंसर यही हो गया। कुछ करने के नहीं, सीधे क्वेश्चन पश्चिम क्या होगा? देखिए ये पश्चिम, ये पश्चिम क्या बन जाएगा? तो पश्चिम किसके बीच में? दक्षिण और पूरब के बीच में। तो पश्चिम क्या बन गया? दक्षिण पूरब। ये लिख लीजिए यहाँ से, इन दोनों का ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? इन दोनों का बीच का एरिया है तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरब। ये एरिया क्या कहलाएगा? इन दोनों के बीच का एरिया है तो दक्षिण पश्चिम। ये एरिया क्या कहलाएगा? इन दोनों का बीच का एरिया है तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये एरिया क्या कहलाएगा? इन दोनों का बीच का एरिया है तो उत्तर पूर्व। तो कितना आसानी से देखिए क्वेश्चन बन गया। अब सीधे क्वेश्चन पर अटैक कर दीजिए, कहता है कि पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम अब मेरा क्या बन गया है? क्या बन गया पश्चिम? पश्चिम दक्षिण पूर्व। खोजेंगे आंसर, देख लीजिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व है, आंसर आ गया दक्षिण पूर्व। तो बहुत ही आसान तरीके से शास्त्रकरण ऐसे प्रश्नों का जवाब दे दिया जाता है। एक ही चीज मैं बच्चों को बार बार समझाता हूं, जब मैं जंपिंग डायरेक्शन की बातें करता हूं, जब मैं जंपिंग डायरेक्शन पढ़ा रहा होता हूं तो एक ही बात मैं करता हूं, और वो बात यही है कि डायरेक्शन कैसे चलता है, इस डायरेक्शन को आपको देखने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि ईस्ट उठ करके यहां आ जाता है, साउथ यहां चला जाता है, वेस्ट कितना घर चलता है। प्रश्न को फिर देखिए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो गया, ये दक्षिण पूर्व क्या बन गया मेरा? उत्तर बन गया। उत्तर कहां था? यहां था। ये कितना घर चला? बस उतना ही देखना है। मैंने आपको पहले बताया नजदीक से, इधर से भी चलिएगा तो यहां पहुंच जाइएगा, इधर से भी चलेंगे तो यहां पहुंचेगा। तो नजदीक किधर रहा? जाहिर बात है क्लॉकवाइज चलते हैं तो नजदीक पहुंच जाते हैं। यहां से यहां एक घर, यहां से यहां दो घर, यहां से यहां तीन घर, बस यही चीज को समझना। नॉर्थ उठ करके साउथ ईस्ट पर आ गया है तो नॉर्थ कितना घर जंप किया है? तो यहां से यहां एक घर, यहां से यहां दो घर, यहां से यहां तीन घर, नॉर्थ यहां उठ करके आ गया तो वहां उत्तर लिख लेंगे। जाहिर बात है ये उत्तर हो गया तो अब ये दक्षिण हो जाएगा। केवल पूरब देख लीजिए, पूरब कितना घर जाएगा? तो पूरब यहां से यहां एक घर, यहां से यहां दो घर, यहां से यहां तीन घर, पूरब यहां आ गया। जब पूरब यहां आ गया तो ये हो गया पश्चिम। मैंने आपको पहले ही कहा है कि केवल चार डायरेक्शन को जगह दे दीजिए। ये चार डायरेक्शन कहां पर सेट होंगे? जो बीच वाला बच जाता है, जाहिर बात है इन दोनों के बीच का रास्ता है तो यहां दक्षिण, यहां पूरब है तो ये दक्षिण पूरब हो जाएगा। इन दोनों के बीच में ये है तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के ये जो है इन दोनों के बीच में है तो ये हो गया उत्तर पश्चिम। ये जो है इन दोनों के बीच में है तो ये हो गया उत्तर पूर्व। तो कितने आसान तरीके से और बहुत ही आसानी से हम ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं छात्रगण। जरूरत यही है कि ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छा से पढ़ा जाए, बहुत अच्छा से देखा जाए और बखूबी पड़े पूरे मनोयोग से जो है ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जाए, ठीक है ना? तो आपका आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। फिर एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं ताकि ये चैप्टर पूरा का पूरा एकदम आपका अकस्टम हो जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ पाने में आप कामयाब हो जाएंगे। आइए आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। छात्रगण अगले प्रश्न पर लेकर के आए हैं और ये प्रश्न आपका एकदम अंतिम पड़ाव होगा और आपको एकदम इसमें सीखना होगा अच्छा से एकदम, है ना? अभी तक एकदम क्लियर हो गया? कुछ नहीं काम करना है, ओरिजिनल डायरेक्शन कहां मूव करता है और कितना घर मूव करता है और किधर नजदीक से किधर वो मूव करता है वो आपको केवल पकड़ना है, कौन सा नजदीकी रास्ता वो पकड़ता है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। आइए अब कहता है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व क्या बन जा रहा है? पूर्व। एकदम आ जाइए, ये दक्षिण पूर्व पर सारा क्वेश्चन था आप लोगों का। यदि दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है? पूर्व बन जाता है, है ना? ये तो हम एक क्वेश्चन कराए भी थे, आपको याद होगा पहला क्वेश्चन हम यही कराए कि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाए। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पश्चिम जो है कहां गया? उत्तर पश्चिम में। देखिए उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, मान ये एक एक घर चल गया, सब एक एक घर जंप किया है, तो ये पहले भी क्वेश्चन बना दिए थे, अभी इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। उत्तर क्या कहा जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए, बना देते हैं जल्दी सा। हो गया मेरा अच्छी तरह से, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए ये बन गया मेरा ईस्ट, ये मेरा ईस्ट हो गया। देख लीजिए साउथ उठ के कहाँ आ जाएगा? ये हो जाएगा साउथ, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट, ये साउथ है तो नॉर्थ हो गया। इन दोनों का बीच का एरिया नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों का बीच का एरिया साउथ वेस्ट, इन दोनों का बीच का एरिया साउथ ईस्ट, इन दोनों का बीच का एरिया नॉर्थ ईस्ट हो गया। सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर क्या कहलाएगा, देखिए उत्तर क्या बन गया? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? उत्तर पश्चिम। तो बहुत बहुत आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। जरूरी है थोड़े से कंसंट्रेशन का और थोड़े से अच्छी तरीके से बनाने का, सो दैट कि जो कंसेप्ट इसके पीछे का जो बिहाइंड कंसेप्ट है वो बिहाइंड कंसेप्ट आपके जहन में चला जाए, क्योंकि बिना इस कंसेप्ट के आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाने में कामयाब नहीं होंगे। जरूरत यही है कि ऐसे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से देखा जाए, बहुत ही ध्यान से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं।
छात्रगण अंतिम पड़ाव पर हैं इस चैप्टर के, जंपिंग डायरेक्शन के एक अन्य पड़ाव पर हैं। कहता है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व मेरा कौन है बता दीजिए फटाक से, ये वाला। अब ये क्या बन गया है, पश्चिम बन गया है। चलो इसको पश्चिम बनाएंगे, एकदम चुपचाप से प्रश्न कर लेंगे। देख लीजिए, उत्तर पूर्व मेरा बन गया है पश्चिम, अब ये उत्तर पूर्व नहीं रहा, अब ये बन गया है पश्चिम। तो देख लो पश्चिम कितना घर चल गया बेचारा, ये पश्चिम अब यहाँ नहीं रहेगा, पश्चिम का जगह यहाँ हो गया है। तो जाने के लिए कितना घर चलता है, एक घर दो घर तीन घर चला। इधर से चलेंगे तो एक घर दो घर तीन घर चार घर पांच घर। मैंने पहले ही कहा कि जहाँ दूरी घर होगा वहाँ पे नहीं जाना है, नज़दीक रास्ता को पकड़ना है। तो पश्चिम यहाँ से यहाँ एक घर, यहाँ से यहाँ दो घर, यहाँ से यहाँ तीन घर। अब मेरा यहाँ पर बन गया ये पश्चिम, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट। हमारा क्वेश्चन वही बोल रहा है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, देखिए उत्तर पूर्व ये था मेरा ओरिजिनल, उत्तर पूर्व ये है मेरा, अब ये क्या बन गया है मेरा पश्चिम। जाहिर बात है ये पश्चिम है तो ये कौन चीज होगा, ये पूर्व होगा। खाली आपको चार दो डायरेक्शन को छेड़ना है। अब आ जाइए उत्तर कहाँ चल जाएगा, तीन घर गिनिए, एक घर क्लॉकवाइज में, एक घर दो घर तीन घर, ये पूर्व बन गया, ये मेरा हो गया पूर्व नहीं उत्तर ना सॉरी हाँ ये बन गया मेरा उत्तर। तो ये मेरा क्या बन गया, दक्षिण हो गया। कुछ नहीं, प्रश्न हम देखते भी हैं, प्रश्न को देखने तक की जरूरत नहीं है। ये चार फंडामेंटल डायरेक्शन अपने जगह पर सेट होगा और क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। अब इन दोनों का बीच का एरिया ये वाला क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। ये एरिया क्या कहलाएगा, इन दोनों का बीच का एरिया, तो दक्षिण पूर्व। ये एरिया क्या कहलाएगा, इन दोनों का बीच का एरिया, तो उत्तर पूर्व। ये एरिया क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया, तो उत्तर पश्चिम। तो कितना आसान तरीके से छात्रगण हम सब इसको पूरी तरह से सेट कर चुके हैं और प्रश्न भी मेरा पूरा क्लियर हो गया। सीधे पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम मेरा कौन है, दक्षिण पश्चिम मेरा ये है, ये देखिए ये वाला, अब ये मेरा क्या बन गया है, तो पूरब। तो दक्षिण पश्चिम क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम आपका कहलाएगा पूरब। उम्मीद करते हैं छात्रगण कि इस चैप्टर को आपने बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही बिंदास अंदाज में, बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को सीखने का आपने प्रयास किया होगा। पूरी कहानी जंपिंग डायरेक्शन की यही चलती है छात्रगण, कि आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से जब इस पूरे डायरेक्शन टेस्ट पर हम चलते हैं तो कुल कितना पड़ाव है, आठ घर का पड़ाव है। यहाँ से यहाँ एक घर, यहाँ से यहाँ दो घर, यहाँ से यहाँ तीन चार पाँच छः सात और एक आठ, पूरा डायरेक्शन अपने आठ घरों पर चलता हुआ नजर आता है। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जब ओरिजिनल डायरेक्शन अपना जगह छोड़ता है तो वो कितना घर मूव करता है, चाहे वो क्लॉकवाइज मूव करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, वो कितना घर मूव करता है, बस इस चीज को पकड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए छात्रगण। अगर आप इन चीजों को पकड़ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पूरा का पूरा कहानी भी आपको रच दिया जाता है, लिख दिया जाता है। हमेशा याद रखिएगा छात्रगण कि जंपिंग डायरेक्शंस पे आपको कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ पहला ऊपर का क्वेश्चन देखिए कि कौन सा डायरेक्शन क्या बनता है। जो डायरेक्शन जो बन जाता है, आप प्रश्न में देख पा रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट जो था मेरा वो वेस्ट बन गया था, तो नॉर्थ ईस्ट मेरा क्या बन गया, ये वेस्ट बन गया था। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बनने के लिए क्या कहा, देख लीजिए मेरा वेस्ट कहाँ पर था, यहाँ मेरा वेस्ट था और अब ये बन जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से ये कितना घर चला, बायलेटरली आप काउंट कर लीजिए ये कितना घर मूव करता है। हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ ये एक घर चलता, फिर यहां से यहां दो घर, फिर यहां से यहां तीन घर, अर्थात तो वेस्ट उठ करके तीन घर जंप कर करके अपना प्लेस को पकड़ लेता है। आपको मैंने पहले ही कहा है कि डायरेक्शन कितने घर मूव कर रहे हैं, ये आपको माइंड सेट होना चाहिए। आपने देखा कि एक डायरेक्शन उठ करके तीन घर जंप करता है, तो अब टोटल क्वेश्चन यही कहता है कि आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। जो परिवर्तन हो रहा है डायरेक्शन टेस्ट में, उसका क्रम इसी प्रकार से जारी रहता है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको सेट कर देना होता है छात्रगण, जिसे बहुत ही बारीकी तरीके से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा, जब आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे होंगे तो सिर्फ आपको चार डायरेक्शन को पकड़ना है, जो फंडामेंटल चार डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इनको जगह देना है। ये कहां पर सेट होंगे, उनका जगह आपको क्रिएट करना है। इनको जगह दे दीजिए, कौन सा डायरेक्शन कैसे मूव किया है, किधर से आपको नजदीक पड़ रहा है, क्लॉकवाइज नजदीक पड़ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज नजदीक पड़ रहा है, इन दोनों को अच्छा से चेक कर लीजिए। जिधर से भी नजदीक पड़ रहा है उस ओर अपने डायरेक्शन को पुटअप कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर।
मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कहा कि जंपिंग डायरेक्शन का एक क्वेश्चन परीक्षाओं में होता ही होता है, इसलिए आपको बहुत ही बेसुमार अंदाज से ऐसे प्रश्नों को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। बाकी पीडीएफ में हम तकरीबन 4-5 क्वेश्चन, बोलिएगा तो 10 क्वेश्चन हम इसमें अटैचमेंट दे दे रहे हैं, और भी ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा या खुद क्वेश्चन बना लीजिए। अब क्या है, जब आप कंसेप्ट ले चुके हैं चैप्टर का, तो प्रश्नों का निर्माण तो आपके हाथों पर है, आप अपने से प्रश्न का निर्माण कर लीजिए कि भाई फलाना को फलाना कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा, इस रिस्पेक्ट पर क्वेश्चन बना करके हल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका दिन मंगलमय हो, आप सब अच्छे से रहें, बहुत मजे से पढ़ते रहें। रघुवर सरकार की कल की अखबार में आपने पढ़ा था कि उसने कहा है कि जितनी सारी रिक्तियां हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जितने सरकारी जो घराने हैं, उससे जो है निश्चित रूप से वैकेंसियां आएंगी। दुमका का प्रवास था उनका, दुमका जिले में वो थे, तो उन्होंने चुनाव के मद्देनजर ये घोषणा की है, चूँकि वहाँ उपचुनाव होने वाला है तो उन्होंने ये घोषणा की है कि भाई वैकेंसियाँ बहुत जल्द आएंगी, JSSC हो, JPSC हो, इसलिए आपको पढ़ना भी उतने ही अंदाज में चाहिए। ऐसा ना समझिए कि लॉकडाउन हो चुका है तो हम भी लॉकडाउन हो जाएं। इस लॉकडाउन में अपने आप को निखारने का प्रयास कीजिए, खूब मनोयोग से पढ़िए, सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। तो आज की क्लास यहीं पे हम सब समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ कि कल की क्लास में भी पुनः पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।